स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन हिमाचल प्रदेश। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये दर्द है उन मासूम बच्चों का जिनकी तकलीफ हम आपको बता नहीं पाएंगे और आप चाहकर भी नहीं सुन पाएंगे। रो रो कर इन बच्चों की आंखें अब सूख चुकी है। उस वक्त ये मासूम बच्चे बेहद छोटे थे जब 7 साल पहले इनके पिता की मौत हो गई थी। अभी उस पीड़ा को ये सही से भूल भी नहीं पाए थे कि चंद रोज पहले मां की भी अचानक मौत हो गई। अब ये बच्चे कभी अपनी मां को नहीं बुला पाएंगे। अब कोई इन्हें लाड़ प्यार नहीं दिखा पाएगा। अब ये बच्चे ना रूठ पाएंगे ना इन्हें कोई मना पाएगा। सुना है ऊपर वाला इतना बेदर्द नहीं होता। जहां भगवान ने माता पिता का साया छीन लिया तो वहीं फरिश्ते के रूप में बेसहारों का सहारा गरीबों का मसीहा नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी संजय शर्मा उर्वर का भाव को भगवान ने इन बच्चों की जिंदगी में फरिश्ता बनाकर भेज दिया है। वैसे ये रूह कपा देने वाली दास्ता है हिमाचल प्रदेश ऊना जिला के जनकोर गांव के रहने वाले इन 3 मासूम बच्चों की। हिमाचल प्रदेश के समाजसेवी संजय शर्मा उर्फ बड़का भाव के कानों तक इन मासूम बच्चों की दास्ता पहुंची तो पूरे लाव लश्कर के साथ टीम बड़का भाव बच्चों को भरोसा दिलाने पहुंच गई। कहा, हिम्मत ना हारे, उनकी पढ़ाई और देखभाल की सारी जिम्मेवारी टीम बड़का भाव उठाएगी। बड़का भाव ने तीनों बच्चों से साफ कहा अब वो उन्हें किसी भी रिश्ते से पुकार सकते हैं। वो उन्हें पापा, ताऊ या मामा कह सकते हैं। एक बार फिर बड़का भाव सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रशासन से आगे निकल गए। जहां भगवान तक ने बच्चों से मुंह फेर लिया वहीं बड़का भाव ने बच्चों का हाथ थाम लिया। मीडिया के कैमरे बंद करवाते हुए संजय शर्मा ने बड़ी बेटी को फौरी राहत के तौर पर कुछ पैसे नगद दिए ताकि कुछ महीनों तक बच्चों का खर्च चल सके। कई बेसहारा परिवारों की तरह टीम बड़का भाव इन बच्चों का भी सहारा बन गया। सिंहबाज के लिए ऊना जनकोर गांव से मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन हिमाचल प्रदेश। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।